नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के लसुड़िया इलाके में आज सुबह 13 साल की लड़की ने 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। वो स्कूल में पढ़ती थी, सुबह स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप तक गई, फिर वापस लौट आई और ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। एडिशनल DCP ने जानकारी देते हुए बताया कि लसुड़िया इलाके की DB सिटी निपानिया में रहने वाली अंजलि शर्मा ने आज सुबह 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। वो एडवांस अकेडमी की कक्षा 7वीं की छात्रा थी। सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी और बस स्टॉप तक पहुंची थी कि उसका मन बदला और वो वापस लौट आई और फिर ऊपर से कूद गई। मामले में फिलहाल अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्रा के पिता शिपिंग कॉरपोरेशन में अफसर हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा लिफ्ट में चढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि इंदौर में ऊंची बिल्डिंग से छात्रा का कूदने का 2 माह के भीतर ये दूसरा मामला है। 2 माह पहले 16वीं मंजिल से BTEC की छात्रा मुस्कान अग्रवाल ने कूदकर आत्महत्या की थी। थाना लसुड़िया के अंतर्गत जो निपानिया में DB सिटी है, उसमें एक सूचना मिली थी कि डक्ट के पास में कोई बच्ची कूदी है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर गई है तो उसकी पहचान हुई है और ये पास में जो रहने वाला दूसरा जो टावर है वहाँ में पिछले मार्च महीने में उनके जो फैमिली शिफ्ट हुई है। बेसिकली ये फैमिली पुणे बेस्ड है और इनके जो फादर हैं वो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते हैं। बच्ची का एडमिशन एडवांस अकेडमी में कराया गया था और आज उनके पिता स्वयं बच्ची को छोड़ने के लिए पहुँचे थे और पहुँचने के बाद जैसे ही गेट पर ड्रॉप करके आए तो बच्ची वैसे ही पीछे पीछे आई है और वहाँ सीधा आकर के जो वहाँ के जो लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर जाती है और ऊपर वहाँ से कूदी है। प्रारंभिक रूप से जो मौके के जो वहाँ के बहुत सारे चश्मदीद आई विटनेस, इसके अलावा जो फुटेज कलेक्ट किए, ये प्राइम फेसी साइड केस है। पुलिस ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके जो कारण है उनकी इसमें जांच की जा रही है। प्रारंभिक रूप से चूंकि इनके फादर, इसके जो फादर मदर से भी बात की गई, लेकिन अभी चूंकि काफ़ी शौक में है, काफ़ी उसमें गहरी संवेदना में है, वेदना में है। और इसका जो मृतिका का जो भाई है वो वही जो 11th में DPS में था, तो भाई से भी बात की जा रही है, साथ में परिजनों से भी बात करनी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव।